वेलकम टू आवर चैनल द मैजिकल सोर्स। तो बेसिकली आज हम आ गए हैं सरोजिनी नगर और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे शॉपिंग के अलावा आप क्या क्या चीजें खा सकते हो। एग्जैक्टली, तो हम यहाँ का करेंगे फूड एक्सप्लोर जो कि है थोड़ा फेमस, जिसकी है काफी रील्स और वीडियोस वायरल। टॉप तीन या चार या पांच चीज दिखाएंगे मैक्सिमम जो कि आप खा सकते हो यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी होती है। सो लेट्स गो, लेट्स बिगिन द गेम। चलो भाई। सो फाइनली हम लोग सरोजिनी नगर पहुंच गए हैं और हम सबसे पहली डेस्टिनेशन है हमारी किंग कुलचा। यहाँ पे पहुंचते ही हमने अपने कुलचे का ऑर्डर दे दिया। और गाइस, इनकी अगर मेकिंग की बात करें ना, इट इज़ सो यम्मी। वो भट्टी के अंदर इसको बनाते हैं। इनकी ये जो है ना चीज़, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट इट वॉज सो टेस्टी। इसके अंदर उन्होंने सैलड काट के एक काइंड ऑफ बनाया हुआ था। इट वॉज सो टेस्टी, फ्लेवरफुल। भट्टी के अंदर से निकालते हैं, इतना मस्त इसके ऊपर घी लगाते हैं, इतना क्रंची और इतना टेस्टी हो जाता है ये। एंड अभी जैसे कि तोड़ा ना इसने, ओ हो हो, इसको देख के मुंह में पानी आ गया। फाइनली हमारी प्लेट रेडी हो गई एंड देन वी ट्राइड इट। हमारा कुलचा एंड छोले, इट्स रेडी एंड नाउ वी गोना ट्राई दिस। कैसा है? छोले काफी माइल्ड है, अच्छे लग रहे हैं। ओके, बहुत करा रहा है यार कुलचा ऐसा ना। गरम गरम बना के दिया, बहुत गरम है। ओए होए, टेस्टी टेस्टी छोले। कैसे गरम गरम है, टेस्ट पता नहीं लग रहा होगा ना अभी। अरे जो क्रंच आ रहा है ना, जो फ्लेवर भी है वो भी, जो क्रंच आ रहा है ना वो भी काफी अच्छा है, और जो फ्लेवर्स है ना वो भी काफी अच्छे हैं। वाओ, बहुत ज्यादा ना ऐसे ना। मैंने अमृतसर अमृतसर का प्रॉपर कुलचे नहीं खाए बट ये बहुत अच्छे है। तो ये है जी अपना कुलचा किंग जो कि है सरोजिनी नगर में। तो आप यहाँ पे आके ये ट्राई कर सकते हो। ये छोटी सी दुकान है, थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ेगा। जो सरोजिनी मार्केट है उससे बहुत आगे आके है, थोड़ा उससे अप्रोक्स एक किलोमीटर दूर है। सो ये दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ कुलचा किंग। सो अब हम इंजॉय करेंगे अपने कुलचे। लेट्स गो, लेट्स हैव इट। सो इस कुलचे के अंदर ना, ये कुलचा ना लिटरली एक तो इन्होंने बहुत लेयर्स के साथ बनाया है, और ऊपर से इसमें है आलू की फिलिंग। ये देखो, दिख रही है आपको? आलू की फिलिंग है, आलू की है और मिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, और भी बहुत ही ऐसे तो अच्छा लग रहा है देखने में। खा के देखते हैं कैसा है। ओए होए, दिव्या का बाइट जो है ना भाई, एक नंबर है। मेरे से तो अच्छा बाइट बनाया दिव्या ने। चलो भाई। ये चीज़ है ना, ये इसने जान डाल दिया। और ये अमेजिंग यार, बड़ा टेस्टी है। चलो इतनी दूर आना वर्थ तो हुआ। पहले हम सोच रहे थे हम एक ही कुलचा खाएं, बट यार वी आर नॉट रिग्रेटिंग। बहुत अच्छा, हाय हाय, इतना सुकून। सो अब आ गए हैं हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जो कि है शाही दही बल्ला, सबसे पुरानी दुकान। और गाइज, ये वाला जो एरिया है फूड का, ये दोनों सामने सामने है, जो हमने आपको पहले दिखाया है कुलचा और ये बिल्कुल सामने सामने आपको दिख जाएगा रोड क्रॉस करके। यहाँ पे आपको शाही पिज़्ज़ा भी मिलता है। हमने पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया था, हमने ट्राई किया था यहाँ पे इनका दही बल्ला। एंड लिटरली इसकी मेकिंग आप देखो, मुँह में पानी आ रहा है देख के। इन्होंने चटनी, हरी, लाल, दही, इसके ऊपर बहुत सारे अनार, एंड उसके बाद इन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे, एंड इट वॉज सो डिलीशियस। तो भाई हमारे लजीज बल्ले की प्लेट आ गई है, काफ़ी सारे किशमिश वगैरह हर एक चीज़ डाल रखी है। अब कर रही है दिव्या ट्राई, और पीछे है शाही दल्ले दही बल्ले वाला। लिखा है सबसे पुरानी शाही बल्ले की दुकान। सो लेट्स सी कि क्या स्पेशलिटी है। सॉरी, इनके भल्लों में गिर गया मेरे। कोई नहीं, चांदनी चौक वाले से ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, चांदनी चौक में जो खाए थे हमने। दीदी नहीं नहीं दीदी, ये बढ़िया एकदम, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। एक बाइट में काफी फ्लेवर्स आए हैं, ठंडा ठंडा मस्त। ओएमजी, गाइस आप यहाँ पे आना, जरूर ट्राई करना। गर्मियों में तो मतलब मजे ही आ जाएंगे, बहुत ठंडा ठंडा था, टेस्टी और लाइट। अच्छा नहीं, पेट भी भरी हो जाएगा, लाइट यम्मी। तो भाई मेरे को तो बहुत टाइम से मन था, जैसे मैंने सुना कि भैया सरोजिनी नगर के आसपास दही बल्ले की प्लेट मिलती है, वो भी इतनी स्वादिष्ट, मैं लूँगा बड़ा सा भाई विद अनार। काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। बल्ले बहुत सॉफ्ट हैं। पापड़ी का जो फ्लेवर है ना, पापड़ी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है ना। ऑल ऑफ मिस बहुत अच्छा है, तो डिफरेंट है।
मतलब ऐसी नहीं है कि हर जगह आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। तो ये हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है सरोजनी नगर में जो आप खा सकते हो, दैट इज शाही दही का बल्ला, सॉरी शाही दही भल्ला, सबसे पुरानी दुकान, उस पर लिखा होगा और भीड़ काफ़ी लगी होगी तो ये देख के आप समझ सकते हो। तो गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी रुकी हुई है। हाँ मैं भी गया हूं, इसके नियर बाय दिखा देती हूँ क्या है ये, कुछ कुछ है ऐसे, आई डोंट नो पता नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ जहाँ पे ये कुलचे वाला है ना, जस्ट उसके पास में ही है, जहाँ पे हमने कुलचे खाए ना अभी पहले, जस्ट उसके पास में है, सामने ही है ये सारे पास में। अभी हम जो पकोड़े वाले पे जा रहे हैं वो भी पास में होगा। हाँ और ये भी पास में है, और बताएंगे अभी आगे वीडियो में, एक साथ क्यों बता रहे हैं है। तो सब कुछ नियर बाय है, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा और सच्ची में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सो इट्स वर्थ इट, वर्थ इट, तो मज़ा आ गया हमें। तो अभी हम आपको मिलेंगे 55 रुपीज़। और कुलचे कितने का था उसका प्राइस नहीं बताया हमने, जनता माफ नहीं करेगी, प्राइस ही भूल गया। तो जब हम जाएंगे देखते हुए चले जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ तो उसका प्राइस तूने पे किया होगा ना पेटीएम से, या 150 रुपए मैंने टोटल पे किए थे जिसमें से पानी की बोतल थी, 130 रुपीज। 130 रुपीज के कुलचे थे जिसमें दो कुलचे आलू के एकदम। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे हॉर्न हॉर्न बज रहे हैं, लेट्स गो टू अदर डेस्टिनेशन एंड देन वी टॉक टू यू, बाय। ये है हमारी थर्ड डेस्टिनेशन खानदानी पकौड़ा, और ये इस तरीके से पकौड़े रखते हैं, बहुत टाइप के पकौड़े हैं। इनका मेन्यू यहाँ पे दिखेगा आपको, मिर्ची का, बैंगन का, करेले का, हर एक चीज़ का पकौड़ा यहाँ पे अवेलेबल है गाइस, एंड इट इज़ सो फेमस। आप ये नियर बाई है जहाँ पे दही वाला हमने खाया उसके नियर बाई में ही है, तो आप यहाँ पे भी ज़रूर विजिट करना। हमने एक पनीर का पकौड़ा, बिकॉज हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है, तो हम जस्ट ट्राई करने के लिए ले रहे हैं। सो ये है शॉप, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, खानदानी पनीर पकौड़ा, जो भी पकौड़े मतलब बहुत सारे हैं, ब्रेड पकौड़ा, ओ सॉरी पनीर का पकौड़ा, ओ भाई काफ़ी अच्छा है ना, पूरा ऐसे ना मसाला भरा हुआ है अंदर इन्होंने, प्रॉपर थोड़ा सा गर्म है, तो आई जस्ट ग्रैब अ बाइट, मस्त चटनी इनकी अनलिमिटेड है, और सेल का पकौड़ा। तो अभी तो क्या बोल रहा था खा के, क्या हुआ पकौड़े को? पकौड़े का जो फ्लेवर है ना वो काफ़ी अच्छा है। Okay. इसकी जो चटनी है ना बेसिकली, हाँ। चटनी काफी एनहांस कर रही है पकोड़े के लिए, चटनी ज्यादा अच्छी है, मतलब दोनों ज्यादा अच्छी है, पर चटनी ज्यादा अच्छी है, चटनी ज्यादा अच्छी है, राइट। चटनी काफी यूनिक है, ऐसे मैंने कभी खाई नहीं है, मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा है, लेट्स सी, थोड़ी सी खट्टी है, आई लाइक इट, ओके लेट्स ईट, वाओ चटनी कैसी है, मतलब खट्टी खट्टी और बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो मतलब अगर आपको इससे पनीर थोड़ा फीका लगे भी तो वो नहीं लगेगा, बिकॉज दिस चटनी हैव सो मच फ्लेवर्स, एंड इसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा पनीर के साथ मसाले डाले हुए हैं, मतलब कि फीका लगेगा, काफ़ी मसाले इन्होंने डाले हैं अंदर, फिलिंग है ऐसे, तो इट्स वेरी नाइस, टेस्टी है भाई। अगर नाम है इस पकौड़े की दुकान का तो अच्छा है, दिस इज़ खानदानी पकौड़े वाला, विच इज़ वेरी फेमस सिंस 1962 लिखा हुआ है, 2500 रुपए का ब्रेड पकौड़ा इनका, ब्रेड पकौड़ा नहीं सॉरी पनीर का पकौड़ा, मोमोज हो या पकौड़े हो, बात आती है चटनी से, चटनी है एक नंबर, मजा आ गया। यहाँ पे हरी लाल का कोई चक्कर नहीं है, बस एक ही चटनी है ये वाली, वो एक नंबर है, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात तो सही है। कोई आइसक्रीम पे इसकी काफी वीडियोस देखी थी हमने, यहाँ पे 6 फ्लेवर्स इन 1 ग्लास अवेलेबल है, हम वो वाला ट्राई करेंगे, तो अगर आप आते हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लेट्स गो। 2, 3, 4 पता नहीं यार, 6 तो होंगे वैसे, 6 डाले थे, एक ही में दो दो आ रहे थे ना, तो 6 ही फ्लेवर थे। तो सरोजनी में खाना खाने के बाद अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप आ सकते हो सॉफ्टी बॉय पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, हमने लिए 6 फ्लेवर्स की, सो लेट्स ट्राई। ये ग्लास बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने, ग्लास बहुत अच्छा है, और एक्चुअल में अलग अलग उस आइसक्रीम का फ्लेवर अलग अलग है, आ रहा है फ्लेवर अच्छा है, और अच्छा है, मुझे तो सारी अच्छी लग रही है, जो ऊपर से ये किया ना क्रंच भी अच्छा आ रहा है, वेरी नाइस। अब मैं ट्राई करती हूँ गाइस, 2% के लिए तो इनफ है यार, मोर देन इनफ है, थोड़ा सा आप भी खा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये रही, मैंने वैसे खा लिया थोड़ी, सो टेस्टी, अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं इसमें, जैसे बोला 6 फ्लेवर, तो 6 फ्लेवर डले हुए हैं, एक्चुअली इट इज़ यमी, प्राइस के हिसाब से 60 रुपीज़ की है, पूरा ग्लास भर के दिया है उन्होंने अलग अलग फ्लेवर्स के साथ में, एंड इट इज़ सो टेस्टी, गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम विद डिफरेंट फ्लेवर्स एक ही में, इवन गर्मियों में भी, इवन ठंडियों में भी इतनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो कौन ही मना करेगा यार। तो
श्रीनगर आओगे बिल्कुल ट्राई तो करना बनता है यार, तो वन टाइम ट्राई तो कर सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे ट्राई करे हैं अपने कितने फूड, दिस इज द फोर्थ वन, फोर चार चीज़ें सरोजनी नगर में जो आप ट्राई कर सकते हो वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई है। आई होप यू लव दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो एंड शायद ये रिकमेंडेशंस आपके काम आएंगे। अगर आप शायद नहीं आएंगे, पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट इसको प्लीज विजिट करना यार। दिस आइसक्रीम थोड़ा वो है, मतलब आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट में है, तो कर लेना ये ट्राई, अच्छी है, तो वन टाइम ट्राई है। बाकी के तीन चीजें तो जरूर करना, बाकी के तीन चीजें तो इसलिए ट्राई करना, बहुत ज्यादा अच्छी है और वर्थ इट है, अमाउंट के हिसाब से वर्थ इट एंड यमी। कुलचे का मैं नहीं कहती, कुलचा इज 130 रुपीज, बट 130 रुपीज में आपको कुलचा यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बट इट मतलब अच्छा फील्ड पूरा आलू के साथ बढ़िया एकदम। अमृतसर की आइटम दिल्ली में मिल रही है 130 रुपए में, तो माड़ी नहीं है। और ऊपर से 55 रुपीज का दही भल्ला, दैट ऑल्सो वेरी नाइस। और पकौड़े तो रीजनेबल थे, और पकौड़े की चटनी तो भाई बहुत टेस्टी, चलो हमने काफी सारा कुछ खाया सरोजनी नगर का, आपको इतना सारा हिडन फूड दिखाया जो कि आप खा सकते हैं। प्लीज विजिट करना, हमारी मेहनत पे थोड़े लाइक्स भी बरसा दो और सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो एंड पूरा वीडियो देखना और प्लीज सपोर्ट अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज कमेंट कर देना, हमें पता चल जाएगा कि कैसी वीडियो है। एग्जैक्टली गाइस, ये छोटी वीडियो बनाई है हमने, आई होप यू विल लाइक इट। सो अगेन आई एम सेइंग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एवरीथिंग जो कर सकते हो करो, वी लव यू सो मच। बस गाली मत दो, बाय।